उत्तराखंड आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि पूरे प्रदेश में मौसम ठीक है, कहीं भी भारी बारिश नहीं हो रही है। आज और कल उत्तरकाशी में हल्की बारिश हो सकती है। गौरीकुंड और केदारनाथ के बीच यातायात भी प्रभावित हुआ है, बाकी सभी रास्ते खुले हैं। केदारनाथ में सभी लोग सुरक्षित हैं। लिंचोली और भीमबली में करीब 500 लोग हैं जिन्हें निकालने का काम जारी है। 4 हेलीकॉप्टर कार्य पर लगे हैं और आज हमें भारत सरकार से 1 MI-17 हेलीकॉप्टर और 1 चिनूक हेलीकॉप्टर भी मिला है। ना चाहेंगे कि पूरे राज्य में वर्तमान में मौसम खुला हुआ है, कहीं भी बारिश बारिश इस समय वर्तमान में नहीं हो रही है पूरे राज्य में। कल का अलर्ट है केवल उत्तरकाशी का, आज थोड़ा सा रहेगा और कल रहेगा, वो भी ऑरेंज अलर्ट है, तो थोड़ी बारिश होगी। बारिश के दौरान लोग नहीं निकलेंगे तो अच्छा रहेगा, बारिश के दौरान आवागमन थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। जहाँ तक फंसे होने की बात है, पूरे राज्य में लगभग सभी मेजर हमारे मार्ग खुले हुए हैं। केवल केदारनाथ जी का रास्ता थोड़ा सा बंद है, कई जगह गौरीकुंड से केदारनाथ जी के बीच में, जिससे आवागमन बाधित हुआ है। कल लगभग हम लोगों ने 2300 लोगों को पैदल गौरीकुंड से सोनप्रयाग की तरफ लाने में सफल हुए थे और 700 लोगों को भीमबली और लिंचोली से हम गुप्तकाशी लाने में सफल हुए थे, उनका एयरलिफ्ट किया गया था उनको, तो 3000 लोगों को कल निकाला गया था। वर्तमान में लगभग 1000 लोग केदारनाथ जी में हैं जो पूरी तरह सुरक्षित हैं। वहाँ कोई बरसात की स्थिति नहीं है, कोई आपदा की स्थिति नहीं है। केदारनाथ जी में सभी के रहने खाने की पूरा व्यवस्था है। अभी हम 15 से 20 दिन तक आराम से लोगों को वहाँ खिला सकते हैं। और लिंचोली और भीमबली में लगभग 500 लोग हैं, उनको निकालने की कार्यवाही सुबह से जारी है। कल 700 से अधिक लोगों को निकाला था, आज वहाँ पे 4 हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं जो लगातार रेस्क्यू का काम कर रहे हैं। इसी बीच माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे, माननीय मुख्यमंत्री जी के इंटरव्यू करने के बाद, भारत सरकार से हमको 1 MI-17 हेलीकॉप्टर और 1 चिनूक हेलीकॉप्टर प्राप्त हुआ है। दोनों ने अपना कार्य शुरू कर दिया है। सुबह है गौचर से एक हमारा MI-17 हेलीकॉप्टर केदारनाथ जी गया, वहाँ 15 लोगों को लेकर नीचे आया, फिर चिनूक हेलीकॉप्टर उड़ा, लेकिन रास्ते में बादल आ गए, इस कारण लौटना पड़ा उसको। अभी वर्तमान में बादल छाए हुए हैं केदारनाथ जी में, इसलिए हेली रेस्क्यू हमारा जो चिनूक और MI-17 का था वो बाधित हुआ है। जो ही मौसम खुलता है हम उसको कार्रवाई करेंगे। हमारा प्रयास है कि 1 या 2 दिन में हम पूरा, आज ही प्रयास, अगर मौसम खुलता है तो आज हम मैक्सिमम को निकाल लेंगे, अगर मौसम आज बाधित होता है तो हम कल तक निकालने की कोशिश करेंगे। हमारा प्रयास है कि जो लोग फंसे हुए हैं सुरक्षित अपने घरों को जाएं। कुछ लोग गौरीकुंड में हैं, उनको भी निकालने की कार्रवाई की जा रही है। गौरीकुंड से रास्ता चूंकि बाधित हुआ है थोड़ा सा, तो पहाड़ से चढ़ के आना पड़ रहा है, उसके लिए भी हमारी टीमें, SDRF NDRF की टीमें, पुलिस की टीमें, आपदा की टीम, जिला प्रशासन की टीम, सब उनको हेल्प कर रही हैं और उनको सुरक्षित निकालने की कार्रवाई की जा रही है।